हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिनेश सैनी पर। तो दोस्तों, सीटी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जारी होते ही दोस्तों ये विवादों में फंस गया है, क्योंकि इस बार सीटीई 2024 परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जा रही है। तो दोस्तों, इसी पर एक कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज प्रिंसिपल धीर सिंह धाबाई, इनका ट्वीट है कि पात्रता परीक्षा में नकारात्मक अंकन के क्या उपयोगिता, एक अनावश्यक भय उत्पन्न होगा जिससे बच्चों पर कोचिंग करने का दबाव बनेगा। जब इसके आधार पर चयन नहीं होता तो फिर क्यों, मुख्य परीक्षा से पहले है तो कहाँ जरूरत है, क्योंकि पात्रता में नेगेटिव का प्रावधान कहीं उचित नहीं है। जब सी टेट में नहीं हो रहा तो यहाँ क्यों, इसका फायदा कोचिंग को होगा, वो डर का माहौल बनाएंगे और बच्चों का आर्थिक शोषण होगा। बात बिल्कुल सही है दोस्तों ये। इसी पर आलोक राज, जो जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, उनका कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है कि देश में किसी भी परीक्षा पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो बता दूं कि यूपी राज्य के अधीनस्थ बोर्ड की पीईटी यानी पात्रता परीक्षा 2023 में भी नेगेटिव मार्किंग है। विज्ञप्ति के 14th पेज पर आखिरी में नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, ये कहाँ तक सही है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।